गाइस आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के एक वायरल वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर। जैसा कि वीडियो देख सकते हैं टिकटॉक में काफी ज्यादा ट्रेंड में आ चुका है, तो आज मैं आपको इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं। इस तरह के वीडियो आप कैसे बना सकते हैं, तो इस टाइप के वीडियो बनाने के लिए आपको करना क्या है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो का लिंक और काइंड मास्टर एप्लीकेशन का लिंक दे चुका हूँ, दोनों को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद कुछ वीडियो शूट करना पड़ेगा, जैसा कि वीडियो देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से वीडियो शूट किया हूं। तो आपको भी कुछ इस तरह से अलग अलग पार्ट में वीडियो को शूट कर लेना है। शूट करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए। मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन से काइन मास्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, 9:16 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मीडिया पे आना है और आपने जो फर्स्ट पार्ट का वीडियो शूट कर रखे हैं सिंपल वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का वीडियो सेलेक्ट कर लिया हूँ। सेलेक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। तो आपको फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैं प्ले कर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से वीडियो शूट किया गया है, तो आपको भी कुछ इस तरह से शूट कर लेना है। शूट करने के बाद करना क्या है, आपको इस पार्ट में अगर कोई इस वीडियो में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो एक्स्ट्रा पार्ट को सबसे पहले रिमूव कर देना है। यदि लेफ्ट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो वीडियो क्लियर पर क्लिक करेंगे, कैचिंग निशान पर क्लिक करेंगे और ट्रिम टूल लेफ्ट कर देंगे, और राइट साइड का पार्ट एक्स्ट्रा है तो ट्रिम टूल राइट कर देंगे। तो इस तरह से वीडियो में जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है लेफ्ट साइड या राइट साइड आपको सबसे पहले रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद लास्ट पॉइंट पे आना है जहाँ पे आपका वीडियो खत्म हो रहा है, जैसे कि देख सकते हैं इसी यहीं तक हमारा वीडियो चाहिए। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस वीडियो क्लियर पे क्लिक करेंगे, लास्ट पॉइंट पे आपको चले आना है। डिलीट के ऊपर एक आपको कैप्चर का इमेज मिल जाएगा, कैप्चर का सिम्बॉल मिल जाएगा, कैप्चर पर क्लिक करेंगे और कैप्चर एंड सेव पे क्लिक कर देंगे। तो क्या होगा, ये इमेज जो है आपको गैलरी में सेव हो जाएंगे। तो इस इमेज को आपको क्या करना है, आपको कलर में या फिर ब्लैक एंड व्हाइट में प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको करना क्या है, मीडिया पे आना है और एक वीडियो आपको कुछ इस तरह से शूट करना है। तो मैं आपको वो भी वीडियो दिखा देता हूँ किस प्रकार आपको शूट करना है। तो आपको सेकेंड वीडियो कुछ इस तरह से शूट करना है, जो आपने प्रिंट आउट निकाल रखे हैं प्रिंट आउट को आपको साइड में देखना है। साइड में आपको हाथों से कुछ इस तरह से पकड़ लेना है और फेस के सामने रखना है। अब जैसे कि कैमरा, जैसे कि देख सकते कुछ इस तरह से आपको उस फोटो को रोटेट करना है और नीचे की तरफ आपको लेकर आना है, और कैमरा मैन जो होगा कैमरा का आपको कुछ पीछे की तरफ आपको लेकर जाना है, और आपको कुछ इस तरह से एडिटिंग कर लेना है। तो आप इस तरह से आपको दो वीडियो शूट करना है। इसके बाद वीडियो क्लिप पर क्लिक करेंगे, ओरिजिनल साउंड को म्यूट कर देना है। अब मैं आपका वीडियो दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से आप देखो मिल जाएंगे जो बेहतरीन लग रहा है। यदि इस तरह के वीडियो बनाते हैं तो आपके वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा लाइक्स एंड व्यूज आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से दो पार्ट में वीडियो को शूट करना है, और क्या करना है, लेयर पे आना है, मीडिया पे आना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक भी दे चुका हूँ, सिंपल आपको वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। कैचिंग निशान पे क्लिक करेंगे, स्ट्राइक आइडियो कर देंगे, वीडियो क्लिक करेंगे, इसे आपको डिलीट कर देना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साउंड भी हमारा मैच हो चुका है। सेटिंग पर क्लिक करना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको HD 720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक साउंड लिंक दे चुका हूँ, उसी वीडियो के साउंड पे आपको इस वीडियो को अपलोड कर देना है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सैलेंडर चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। यदि आपको किसी भी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारे इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड